चाहे आपकी परीक्षा फीस माफी का हो या फी कम करने का मुद्दा हो या कोविड 19 में जो इफेक्ट हो गया उसको सपोर्ट करने का मुद्दा हो, हर वक्त नागपुर विद्यापीठ ने विद्यार्थी के हित में ही निर्णय लिया है। पिछले वक्त आपको शायद पता होगा कि विंटर एग्जामिनेशन जब हुआ था, विंटर एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन में नागपुर विद्यापीठ ने पहले ही बता दिया था कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन समर में होगी, लेकिन विंटर एग्जामिनेशन आपकी जो हो गई हो रही थी वो ऑनलाइन होगी, लेकिन ऑफलाइन समर की ऑफलाइन होगी। ये जो नोटिफिकेशन अपन ने विंटर एग्जामिनेशन में दिया था, साथ ही साथ फरवरी में भी दिया था, लेकिन आप में से बहुत सारे संगठन आके मिले, बहुत सारे विद्यार्थी आके मिले, उन्होंने अपनी समस्या हमारे सामने रखी थी कि ऐसा ऐसी समस्या है, ऑनलाइन क्लासेस हो गई इसलिए एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का हॉस्टल का प्रॉब्लम था, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बसेस उपलब्ध नहीं थी, इन सारी समस्याओं को लेके अपन ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का निर्णय लिया था, जबकि ऐसा तय हुआ था पूरे महाराष्ट्र में कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन लिया जाए, लेकिन नागपुर विद्यापीठ में आपके हित में ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया गया था। लेकिन बात ऐसी आ गई कि जब नागपुर यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया तो वो निर्णय महाराष्ट्र के बाकी विद्यापीठ के अगेंस्ट चले गया, जबकि यह भूमिका रही कि सारे यूनिवर्सिटी में एक जैसा पैटर्न होना चाहिए, सभी यूनिवर्सिटी ने या तो ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए, लेकिन तय ऐसा हुआ कि पूरे महाराष्ट्र में एक जैसा पैटर्न होना चाहिए, इसलिए एक निर्णय लिया गया कि ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन लिया जाए। नागपुर यूनिवर्सिटी को जो निर्णय लिया था वो निर्णय पूरे महाराष्ट्र के जो एक यूनिफॉर्म निर्णय हुआ उसके सहमति से ऑफलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन मैं अभी भी आपको बताता हूँ कि आप लोगों की जो समस्या है, ये समस्या हम मंत्री जी तक पहुँचाएंगे, शासन तक पहुँचाएंगे, और ज़रूर उसके ऊपर पॉजिटिव कुछ ना कुछ होगा, और जो भी निर्णय होगा आपके हित में होगा ऐसा मुझे लगता है, आज भी लगता है। और ये निर्णय, जबकि अभी भी कुछ ट्रांजिशन्स चल रही है, बहुत सारे विद्यापीठ का भी कुछ प्रॉब्लम है, चल रहा है, ऑफलाइन जरूर डिक्लेयर किया है, लेकिन बहुत सारे विद्यापीठ में अभी भी ऑफलाइन की तैयारी शायद नहीं है, इसलिए फिर से विद्यापीठ चाहती है बाकी विद्यापीठ कि एक बार चर्चा हो, या आपका जो संगठन है, आपका जो ये मूवमेंट है, इसका मैसेज वहाँ तक पहुँचेगा और इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्शन होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और आपको निराशा नहीं होगी ऐसा भी विश्वास है। बस मैं इससे ज़्यादा और आपको आश्वासन कुछ नहीं दे सकता। मैं मेरे महाराष्ट्र के NSY के अध्यक्ष आमिर शेख जी से यहाँ पे विनंती करूँगा, वो आपको संबोधित करें। शुभम शुभम। आज नागपुर विद्यापीठ में जो विद्यार्थियों के माध्यम से ऑनलाइन आंदोलन, ऑनलाइन एग्जाम्स होना चाहिए, इस मांग को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, आप सभी विद्यार्थियों की ऊर्जा देखकर मैं बस दो ही लाइनें कहना चाहता हूँ कि तकलीफ से बाहर निकलना हो तो टकराना जरूरी है, आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। पार्टी के तरफ से, NSY के तरफ से, यूथ कांग्रेस के तरफ से आज हम सब यहाँ पे आपका साथ देने के लिए आए हैं। पिछले दो साल से जिस तरीके से सभी विद्यापीठों में की थी, और आज भी जब शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से की गई है तो परीक्षा भी ऑनलाइन माध्यम से की जानी चाहिए, ये हमारी मांग पूरे महाराष्ट्र में हम कर रहे हैं। मैं आज पुणे से आज नागपुर विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में इसलिए आया हूँ क्योंकि जिस प्रकार नागपुर का विद्यार्थी, नागपुर विद्यापीठ का विद्यार्थी एक ताकत से अपनी मांग को लेकर लड़ रहा है, वैसे मैं कहता हूँ महाराष्ट्र के हर विद्यार्थी ने अगर लड़ता रहा तो पूरे महाराष्ट्र में ऑनलाइन एग्जाम ये जरूर होकर रहेगी। और मैं